कूलेंट डालने की जगह है, बड़ी खराब होती है। ऐसे ही हमारा शरीर सारा अंदर मलमूत्र से भरा हुआ है, तो मलमूत्र से भरे हुए शरीरों के प्रति अनावश्यक आकृष्ट हो करके हम पाप कर्मों में प्रवृत्त ना हो, ये वेद का हमको आदेश है कि उलू कयातुम, शुशुलू कयातुम, जहिष्व यातुम, उतको कयातुम, चिड़े की चाल को हम लोग छोड़ दें। चिड़ा वासना से युक्त होता है, मुझे और आपको वासना से रहित होना चाहिए। आता है तो युधिष्ठिर को गुस्सा आया हुआ था, उन्होंने कहते कहते ये कहना आरंभ किया कि तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है, काहे का तू धनुष उठाता है और काहे का तेरा धनुष है, काहे का तेरे धनुष का नाम है, काहे की इसकी टंकार है। तो उसको भला बुरा कहना आरंभ किया। जब ये सब कुछ कहना आरंभ किया तो अर्जुन ने कहा कि मैं बाकियों को बाद में देखूंगा, पहले तो युधिष्ठिर को देखूंगा। कृष्ण वहां खड़े हुए थे, सुन रहे थे, कहले क्या कहा? कहने लगे मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि मेरे धनुष की कोई निंदा करेगा तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो अभी युधिष्ठिर ने जो है वो मेरे धनुष की निंदा की है, पहले मैं इसको मारूंगा, बाकियों को बाद में देखूंगा। कहले गए अच्छा मारना है? कि हाँ मारना है, बिना मारे नहीं रुकेगा, नहीं रुकूंगा। कहले गए अपने से बड़ों को मारना हो उसका तरीका होता है। कहले क्या तरीका होता है? कि अपने से बड़ों को मारना हो तो उनको गालियां देनी चाहिए, गालियां देने से वो मर जाते हैं। तो उस समय अर्जुन के मुख से युधिष्ठिर के लिए गालियां निकलवाई। उसके बाद दोनों को बैठा करके कहा मुझे लगता है कि तुम बूढ़े व्यक्तियों के साथ ज्यादा नहीं बैठे, अगर तुम वृद्ध व्यक्तियों के साथ में बैठे होते तो ऐसे बचकानी बातें नहीं करते कि मेरे धनुष को कह दिया, कि मेरी स्याही डाल दी मेरे इसके ऊपर और मेरी चॉकलेट छीन के भाग गया और मेरी पेंसिल कहाँ है वो लेकर के भाग गया और मैं मारूंगा इसको। तुम ऐसी बातें नहीं किया करते, जो तुम ऐसी बात कर रहे हो इससे ऐसा लगता है कि तुम बूढ़े व्यक्तियों के पास में नहीं बैठे। अब ये गालियां देने के बाद में समाप्त तो हो गया, लेकिन अर्जुन ने दोबारा से शस्त्र उठा लिए। कहले कि मैं अपने आप को मारूंगा, अभी तो कह रहा था युधिष्ठिर को मारूंगा, अब कहते अपने आप क्यों मारेगा भाई अपने आप को? इसलिए मारूंगा कि मैंने अपने बड़े भाई को गाली दी है, इतनी गालियां दे दी मैंने अपने बड़े भाई को, मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। तो बड़ी मुश्किल से कृष्ण ने संभाला। तो वेद का मंत्र हमको ये आदेश देता है कि श्व यातुम जही, हम कुत्ते की चाल को छोड़ दें, हम अपनी ही जाति वालों से द्वेष न करें। उलू कयातुम, शुशुलू कयातुम, जहिष्व यातुम, उतको कयातुम, और चौथी बात कही गई कि हम चिड़े की चाल को छोड़ दें। चिड़ा जो है उसके अंदर वासना बहुत होती है, तो हम वासना को छोड़ने वाले बने। एक महात्मा जो है वो भिक्षा मांगते हुए चले जा रहे थे और एक घर का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया, घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से जो है कोई व्यक्ति बाहर आया। कह लगे बेटे कुछ खाने को भिक्षा दे दो। तो ये गृहस्थी जो था बड़ा श्रद्धावान था, सन्यासियों के प्रति विद्वानों के प्रति इसमें बहुत श्रद्धा थी, तो इसने उनको बड़े प्रेम से उनके चरण स्पर्श किए और कहने लगा महाराज आप अंदर आकर के भिक्षा को ग्रहण करें, भोजन तो आप कीजिए लेकिन अंदर आकर के कीजिए। कह लगे नहीं ये पानी जो है ना वो बहता अच्छा होता है, साधु रमता अच्छा होता है। जैसे आपके यहाँ एक ब्रह्मचारी जी थे सुबह मंच पर बैठे हुए थे तो वो यहीं पर उन्होंने भोजन किया अभी, हाँ आप शायद, हाँ जी। तो वो कहने लगे साधु कि भाई साधु जो है वो रमता अच्छा होता है और पानी बहता अच्छा होता है, मुझे कहाँ घर में बुलाओगे, यहीं भोजन दे दो चल पड़ूंगा। कहले नहीं महाराज बहुत दिन हुए हमारे घर कोई साधु नहीं आया, कोई सन्यासी नहीं आया, कोई विद्वान नहीं आया, आपको अंदर ही आना होगा। ओम, तो इसको समाप्त कर दो जी। तो अंदर आ गए, अंदर आने के बाद में बैठा लिया गया, बैठा लिया गया तो इन्होंने गृहस्थी ने आवाज लगाई, घर में दो ही प्राणी रहा करते थे गृहस्थी और उसकी बेटी, आवाज लगाई बेटा महाराज आए हैं उनके लिए भोजन लेकर के आओ। तो 10-5 मिनट के अंदर वो बेटी जो है भोजन लेकर के आई और अच्छा बढ़िया भोजन था। भोजन महाराज ने देखा, देखने के बाद में फिर आंख बंद कर ली, फिर देखे फिर आंख बंद कर ले, 5-7-10 मिनट भोजन को सामने रखे हुए हो गए। तो कह लेंगे महाराज भोजन आ चुका है आप स्वीकार कीजिए। तो ये कहने लगा साधु महाराज, कहने लगे कि क्या तुमको इस बात की जानकारी है कि भोजन के बाद दक्षिणा भी दी जाती है? गृहस्थी ने कहा हाँ महाराज मुझे पता है। तो कहने लगे ये तुम दक्षिणा जो दोगे अपने मन की दोगे या मेरे मन की दोगे? तो ये ज्यादा श्रद्धावान था, कोई आर्य समाज जी होता तो पता नहीं क्या बीतती वहां पे। तो कहने लगा जी अपने मन की दोगे कि मेरे मन की दोगे?
कह रहे महाराज ईश्वर की कृपा से आप जैसों के आशीर्वाद से ही सब कुछ मिला है, जो मैं दे सकता हूँगा तो जो आप बोलोगे वो आपको मैं दक्षिणा देने की कोशिश करूँगा, आप इसको स्वीकार कीजिए। कि दोगे ना दक्षिणा? कि हाँ जी दूंगा। तो पहले मेरी दक्षिणा सुन लो, भोजन बाद में करूँगा। कह लेंगे महाराज आदेश कीजिए कि मैं दक्षिणा में तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। लाल कपड़े वाला साधु अंदर आया भोजन करने के लिए और दक्षिणा में जी मुझे तुम्हारी बेटी के साथ दक्षिणा में विवाह करना है। अब यहाँ कहीं ऐसी बात हो गई होती तो क्या हुआ होता तो कर्मठ जी बताएंगे यहाँ क्या हुआ होता। लेकिन वो जो गृहस्थी था उसके अंदर ऐसे भाव थे, वो न तो हाँ बोल पाया न ना बोल पाया, कुछ बोल ही नहीं पाया, चुप ही हो गया वो। तो साधु जो है वो भोजन बिना किए चला गया। अब उसके बाद गृहस्थी जो है उसने भी नहीं भोजन किया, हालांकि उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, साधु की गलती थी, लेकिन गृहस्थी को लगा आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विद्वान हमारे घर आया, भोजन करने की इच्छा से आया। मेरे पिताजी के ज़माने से, दादाजी के ज़माने से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई व्यक्ति भोजन करने आया, हम तो किसी किसी को नहीं छोड़ते। तो साधु था, लाल कपड़े वाला था, ये चला गया तो इसको भी बड़ी तकलीफ थी, तो पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। तो इसने भी भोजन नहीं किया, एक दो दिन हो गए। दो दिन बाद बेटी ने पूछा पिताजी वो उस दिन साधु महाराज आए थे वो भोजन नहीं करके गए, दो दिन आपको हो गए, आप तो ऐसे भोजन कभी नहीं छोड़ते हो, तो आप जो है ना मुझे कारण बताओ क्या समस्या है, हो सकता है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, हो सकता है मेरे पास समाधान हो। कि नहीं बेटे ऐसे कोई खास बात नहीं है। कि नहीं पिताजी आप बताओ क्या बात है, ऐसे तो आप भोजन नहीं छोड़ते, वो भोजन आपने मंगाया और वो भी नहीं करके गए, आप भी नहीं करे, क्या बात है। तो उन्होंने बता दिया ऐसी ऐसी बात है। कह लगे आपने प्रतिज्ञा की थी आप दक्षिणा दोगे? हाँ जी की थी। तो कह लगे पिताजी आपकी प्रतिज्ञा पहले है। तो पिता कहने लगे बेटी तूने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, तूने निश्चय किया हुआ है कि मैं विवाह नहीं करूंगी और पहले अपने गांव के अंदर जो अंधविश्वास हैं, जो पाखंड हैं, उनको दूर करने का प्रयास करूंगी। जब गांव के अंदर सब लोग समझदार हो जाएंगे, टोने टोटकों को छोड़ देंगे, ताबीज़ों को छोड़ देंगे और बुराइयों को, सामान्य विशेष सारी बुराइयों को छोड़ देंगे, उसके बाद में मैं शहर में जा करके प्रचार करूंगी, शहर भी अच्छा हो जाएगा तो बाहर जाऊंगी। तेरा तो ब्रह्मचर्य का व्रत है, उसको मैं कैसे खंडित कर दूंगा, तेरी प्रतिज्ञा पहले है मेरी बाद में। तो बेटी कहने लगी पिताजी आपने मुझे अच्छी संस्था के साथ जोड़ा, अच्छी पुस्तकें ला करके दी, तभी तो मुझे ब्रह्मचर्य के व्रत का पता चला, आपके कारण से ही तो मैं व्रत ले पाई हूँ, निश्चय कर पाई हूँ ये ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। आपका संकल्प पहले, मेरा संकल्प बाद में, आप साधु महाराज को जा करके कहो कि मैं 10-15 दिन के अंदर विवाह के लिए तैयार हो जाऊंगी, वो आए और मेरे साथ में 15 दिन के बाद विवाह कर लें। तो ये जाकर के ढूंढने लगे, वो कहां गया भाई साधु, कहां गया? तो कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। तो मिल गया साधु, उसको कहा जी आप 15 दिन में आ जाइए, 15 दिन में मेरी बेटी आपके साथ विवाह करने को तैयार है। कह लगे ठीक है जी। साधु महाराज अपनी तैयारी में लग गए। इधर बेटी जो है वो सुबह शाम उपासना में बैठा करती थी, तो उस दिन सायंकाल उपासना में बैठी तो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करने लगी? कि अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम अनृतात् सत्यम रवीमि। कि हे परमेश्वर सारे व्रतों के स्वामी तुम्ही हो, जितने भी संकल्प कोई करता है तुम्हारे आधार पर करता है, तुम्हारा कोई भी संकल्प कभी टूटता नहीं है। तुम्हारा बनाया हुआ सूर्य अनेक वर्षों से, करोड़ों वर्षों से नियत समय के ऊपर ऊपर जाता है, नियत समय पर नीचे आ जाता है, अस्त हो जाता है। तुम्हारा बनाया हुआ कोई नियम नहीं टूटता है। तुमने सारी की सारी सृष्टि को यथा पूर्व मकल्पयत वैसे का वैसे बनाया था। मैंने तुम्हारे सहारे ये संकल्प लिया था। हे परमेश्वर कोई ऐसा चमत्कार करो कि मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा भी ना टूटे और मेरा व्रत जो है वो भी ना टूटे। बार बार यही प्रार्थना करने लगी कि हे परमेश्वर कोई उपाय बता दो, अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, बार बार ये प्रार्थना करने लगी। बार बार प्रार्थना से संस्कृत के अंदर एक श्लोक है कि न देवाः दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्, कि देवता लोग विद्वान लोग डंडा लेकर के आपकी रक्षा नहीं करते। जैसे पशुपालक अपने पशुओं की रक्षा के लिए डंडा ले खड़ा होता है, कोई और आता है गाय है इधर कोई कुत्ता आया उसको भगा देता है, कह रहे ऐसे विद्वान लोग रक्षा नहीं करते। फिर कैसे रक्षा करते हैं? कि जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको विशेष बुद्धि देते हैं। तो इसको कुछ बैठे बैठे संध्या में ही कुछ समझ आ गया, इसको लगा हाँ ये उपाय हो सकता है, इससे मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और मेरी भी रह जाए। तो फिर क्या करें? तो पिताजी को उठ करके कहती है पिताजी
एक नाई को बुलवा देना जरा। नाई को बुलवाया, उन दिनों शायद नाई जो है वो खून निकालने का काम किया करते थे, खून ज़्यादा हो गया, आजकल भी डॉक्टर करते हैं, खून गाढ़ा है तो कुछ खून निकाल लेते हैं, तो खून को बाहर निकाला, सारा खून अपने शरीर का बाहर निकलवा लिया। फिर कहने लगे पिताजी एक वैद्य को बुलवा देना। पिताजी ने कहा ये काहे की तैयारी कर रही है शादी की, खून निकलवा करके बैठी है, कमज़ोर हो रही है। फिर कह रही वैद्य बुलवा दो, वैद्य आ गया। वैद्य जी को कहा जी मुझे कुछ जुलाब की पुड़िया दे दो। जुलाब की पुड़िया ली तो सारे शरीर के अंदर मल जो है वो बाहर चला गया, और रोटी बहुत थोड़ी थोड़ी खाई, 15 दिन के अंदर बहुत कमज़ोर और लेटी हुई है बिस्तर के ऊपर। महात्मा जो है वो लाल कपड़े बदल करके सफ़ेद कपड़े पहन करके आया, और आकर के गृहस्थी बाहर बैठा हुआ है। गृहस्थी आते ही कहता है महाराज मेरी बेटी तैयार है, आप जाकर के उनसे मिल लीजिए। अंदर गए तो देखा है तो लड़की कुछ और ही हो गई है, पहले तो कुछ और थी अब कुछ और है। तो वापस आने लगा तो इसके पास ज़्यादा आवाज़ नहीं थी, फिर भी कहा महाराज मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, बोलो कहाँ चलना है क्या करना है। कहले नाना मुझे नहीं विवाह करना तुमसे। कहले विवाह क्यों नहीं करना, मैं तो आपके लिए तैयारी की। कहले मुझे नहीं करना तो मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा। कहले मुझे वो कोई बात नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं करना। तो फिर मैं चला। कहले गए एक मिनट और रुक जाओ। कहले कहाँ रुकना है। कहले गए आपको ये नहीं जानने की इच्छा कि 15 दिन पहले मेरे पास ऐसा क्या था कि आप लाल कपड़े पहने हुए आपके विवाह की इच्छा हुई और आज जो है ना आपकी इच्छा बदल गई। कहले गए हाँ जानने की इच्छा है। कहले गए ये दो बर्तन रखे हुए हैं इनको देखिए। तो एक बर्तन खोला, उसके अंदर जो है खून था बहुत सारा, और एक के अंदर जो है मल था बहुत सारा। कहले गए ये दोनों मेरे शरीर में ज़्यादा हो गए थे, इस कारण से अब चाहो तो यही थे और तो मेरे पास कुछ नहीं था इसके अलावा, इनके कारण ही जो है ना आपका मन डोल गया था, चाहो तो इनके साथ विवाह कर लो, यही दोनों चीज़ें थी अंदर, यही बाहर आई और तो कुछ नहीं आया बाहर। तो ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं हमारे जो ये शरीर हैं ये मल और मूत्र से भरे हुए, तो परमेश्वर कारीगरी है कि ऊपर से ऐसा बना दिया कि वो दिखता बहुत बढ़िया। जैसे गाड़ी को आप बाहर से देखते हैं बड़ी सुंदर होती है, और अंदर से बोनट खोल के देखते हो तो कहाँ नस नाड़ियाँ चल रही होती हैं उसके अंदर, कहीं पर जो है वो फ्यूल गुजर रहा है, कहीं पर जो है वो ये कूलेंट डालने की जगह है, बड़ी ख़राब होती है। ऐसे ही हमारा शरीर सारा अंदर मलमूत्र से भरा हुआ है, तो मलमूत्र से भरे हुए शरीरों के प्रति अनावश्यक आकृष्ट हो करके हम पाप कर्मों में प्रवृत्त ना हो, ये वेद का हमको आदेश है कि उलू कयातुम शुशुलु कयातुम जहिष्व यातुम उतको कयातुम। चिड़े की चाल को हम लोग छोड़ दें, चिड़ा वासना से युक्त होता है, मुझे और आपको वासना से रहित होना चाहिए। आगे की जो थोड़ी सी बात है, समय फिर कभी मिलेगा तो मैं उसको करने का प्रयास करूँगा। आप सभी ने बहुत सामान्य बातों को बार बार, आपने बहुत बहुश्रुत आप लोग हैं, बहुत कुछ आपने पहले सुना हुआ है फिर भी आपने पुनः सुना, और समय के अतिक्रमण के लिए क्षमा याचना करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।